अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है जनाब वेट लॉस। ठीक है, आज एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं रिव्यू करूंगी। कुछ सप्लीमेंट्स हैं और सप्लीमेंट्स काम करते हैं नहीं करते काम, आपको किन कंडीशंस में लेने चाहिए तो शायद काम करें, किन कंडीशन में नहीं लेने चाहिए, सो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है। नहीं लग रही कोई बात नहीं, फिर भी कर दे, आपको क्या जाता है, बस ऐसे उंगली दबानी है आपने, वीडियो लाइक हो जानी है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिव्यू करूंगी वो है न्यूट्रोफैक्टर की लाइपोजेन सप्लीमेंट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स वेट लॉस, अब पता नहीं ये लिपोजिन है या लाइपोजिन है, वट एवर इट इज, ये 60 कैप्सूल्स आते हैं 1200 रुपीस के अंदर। फूड सप्लीमेंट्स हैं ये। ठीक है, ये तकरीबन मेरे बस ये देखें 3-4 ही रह गए हैं। ठीक है, इस तरह के वाइट से कलर के कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफैक्टर के मैंने ना पहले भी रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। इनकी बायोटीन मैंने यूज़ की हुई है, इनकी एक डर्माजोन के नाम से वो यूज़ की हुई है, एक इनकी वाइटामैक्स के नाम से वो मैंने यूज़ की हुई है, फिर जॉइंट एंड डी मेरे फादर ने यूज़ किया हुआ है। सो इनकी ना कंपनी की डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं। तो जैसे जैसे मुझे रिजल्ट्स मिलते रहे, मैं आप लोगों के साथ उसका शेयर करती रही। जो पिछली मेरी वीडियो थी कुछ ही जो है लाइपोजिन के बारे में है। मैं ना एक्चुअली कुछ अर्सा पहले, लाइक आप ये समझ लो कि जनवरी टू फरवरी तकरीबन यही महीने थे, जनवरी या फरवरी था इस साल का, तो हमारी फैमिली में ना काफ़ी सारी शादियां इकट्ठी सी आ गई, 4-5 शादियां इकट्ठी आ गई। तो वो आपको पता है शादी पे जाएं, अगर आप घर में मीठा नहीं खाते वहां पे भी खाएं आप, और डेली राइस अगर आपके दूसरे तीसरे दिन बच्चे हैं ना 7 वालों के, वो इसलिए वो चूं चूं करते हैं अच्छा है, अगर राइस वो खाएं तो उससे भी वेट गेन होता है। तो वो तकरीबन 2 महीने हमारी शादियां चली, उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान में लोगों का वेट कम होता है और मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है। सो इन सब में ना मेरे फेस पे ना ऐसे फूक चढ़ गई, और ना सिर्फ फेस पे, फुल बॉडी पे मैं बहुत मोटी लगना शुरू हो गई। इवन मुझे मेरी फैमिली वाले कहना शुरू हो गए कि मोटी हो गई हो, क्या हुआ है, हेयर है, मोटी हो गई हो, यू नो। तो उस टाइम पे ना मुझे लगा कि यार क्या करें, इतना वेट बढ़ गया है और अब मैंने इसको कम करना है। और कम करने के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन था एक्सरसाइज का या वॉक का, या थर्ड जो ऑप्शन था ना वो ये था कि कोई मुझे सप्लीमेंट्स मिल जाए। अब इन सप्लीमेंट्स की तरफ मेरा ध्यान कैसे गया कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी मैं, उन्होंने इसका रिव्यू दिया था। ठीक है, और मैं काफ़ी उनकी वीडियोस देखती हूँ और काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट होता है। अब उन्होंने इसका रिव्यू दिया और आई वाज श्योर के अच्छा होगा, और वो यूज़ उन्होंने कहा कि मैं करती हूँ शायद इस तरह कुछ, उन्होंने उसके अंदर बोला वीडियो के अंदर। मैंने परचेज कर लिया। परचेज करने से पहले मैंने ना इनकी वेबसाइट के ऊपर लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज़ वगैरह देखे। सब कह रहे कि जी हमने ये बॉटल परचेज की है, कोई कहे कि जी मेरा इतना बड़ा पेट था, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, हाल ही ये सप्लीमेंट्स लिए हैं तो मेरा वेट कम हो गया। आई मीन आई वॉज क्वाइट श्योर कि मैं भी ये लूंगी तो बिल्कुल अच्छा एकदम से फिट हो जाएगा, क्योंकि मेरी देखिए मेरी रूटीन इस तरह की है कि मैं अपनी सुबह ऑफिस आती हूँ, तो सुबह ऑफिस जाना और शाम 6 बजे मैंने घर आना, घर आके घर के काम वगैरह करना, वो सारा उसमें ना मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह। ऑल दो हम लोगों ने, मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्लान्स बनाए, वॉक पे भी हम लोग जाते रहे कई दिन, लेकिन जब मैं वॉक पे जाती थी आके इतनी थकी हुई होती थी ऑफिस से, फिर ऊपर से मैंने एक्सरसाइज करना, फिर आके काम नहीं होते, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार जो भी है ना एटलीस्ट एक दफा मेरा वेट कम हो जाए, उसके बाद इसको मैं बढ़ने ही नहीं दूंगी, तो एक्सरसाइज वाली नौबत नहीं आने देनी। तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। ठीक है, इसको मैंने 2 महीने यूज किया है, एंड दिस इज माय सेकंड बॉटल बाय द वे, और इसके कैप्सूल्स हैं, इसके अंदर 60 कैप्सूल हैं। तो इसको मैंने यूज किया और ट्रस्ट मी मेरा 1 kg भी कम नहीं हुआ, अल्लाह की कसम मेरा 1 kg भी कम नहीं हुआ। और मुझे वो सारे कमेंट्स और वो सारे लोग जो कुछ भी ना कर रहे हो, वेट हो ये वो, हस्बैंड से बिस्ती अलग, ठीक है कि तुम्हें मैंने कहा था ये फूड सप्लीमेंट्स बेकार होते हैं, ये नहीं करेंगे और फला फला फला, और ऊपर से मेरा जो दिल टूटा और जो पैसे जाया हुए वो अलग। एक्सपीरियंस इस हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगेन वही बात मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूं कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है हो सकता है वो आपको ना कर रही हो, और जो चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही हो सकता है वो सूट आपको कर रही हो। सो हर एक बंदा डिफरेंट होता है, हर एक बंदे के ऊपर डिफरेंट हिसाब से डिफरेंट चीज़ें रिएक्ट करती हैं, तो हो सकता है उनको कर रही हूँ, बट मैं अपना आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ डेफिनेटली।
तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। अब सेकंड जो था मेरी लाइफ में कि अब मैं वेट कैसे कम करूंगी, वो था मेरा एक्सरसाइज ऐड करना। ठीक है, अब मैंने कहा कि जी कुछ भी हो जाए, रूटीन डिस्टर्ब होती है, हो भाड़ में जाए सब कुछ, यार अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं है तो मैं क्या करूंगी। मैंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट की, मेरे हस्बैंड ने ना कुछ जिम का बेसिक जो सामान है ना, बेंच रॉड और वो जो वेट वगैरह होते हैं वो सारा कुछ वो उन्होंने घर में रखा हुआ है, तो मैंने इनको कहा कि यार मुझे भी बीच में कहीं एडजस्ट कर लो और मुझे भी बता दो कि मुझे भी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बता दो कि कौन कौन सी मैंने करनी है ताकि मेरा वेट कुछ कम हो, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं ट्राई कर चुकी थी। तो बड़ा फनी टाइम होता था उनके साथ एक्सरसाइज भी करने का। वो मुझे जो एक्सरसाइज कह रहे थे ना, ऐसे करो, मैं यार ऐसे कौन करता है, मेरी कमर में दर्द निकल आएगा, मेरा वो निकल आएगा, ये वो। एंड ही वॉज लाइक, ट्रेनर मैं हूँ कि तुम हो, करो जल्दी करो। तो बड़ा लाइक फन टाइम भी होता था और बड़ा मजा आता था। तो खैर, तो तकरीबन 3 वीक्स मैंने एक्सरसाइज की है, और 3 वीक्स में इस तरह से कि 5 डेज अ वीक मैं एक्सरसाइज करती थी। तो अब 3 वीक्स हमने इसी तरह एक्सरसाइज की, अपनी डाइट मैंने टोटली चेंज कर ली, टोटली चेंज मैंने अपनी डाइट कर ली, कि जो चीज़ें मैं पहले नहीं खाती थी ना वो सब कुछ मैंने ऐड कर लिया, जो पहले खाती थी वो सब कुछ निकाल दिया मैंने। और ये सब कुछ करने के साथ साथ ना, और साथ एक्सरसाइज करने के साथ, आफ्टर 3 वीक्स मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। नंबर 1, मुझे अपना फेस खुद लगना शुरू हो गया कि मेरा फेस ना थोड़ा सा चूसा होना शुरू हो गया, पतला सा होना शुरू हो गया। नंबर 2, मुझे ना, देखें जब आप कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना वेट लॉस के लिए, तो आप इंटरनली फील करते हो कि आप बहुत लाइट से हो गए हो, आप इंटरनली यू फील वेरी लाइट। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लगता था कि जैसे बहुत लाइट होना, जैसे मैं बड़ी लाइट सी फील कर रही हूँ, और मेरे काम करने में बड़ी एक्टिव हो गई थी, और इसके साथ मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इंचेस मेरे कम होना शुरू हो गए हैं। आई डोंट नो, अब मैंने उस टाइम पे वेट नहीं किया, वेट शायद उतना ही होता, लेकिन मुझे फील होता था कि जैसे मैं अपने यहाँ पे हाथ लगाती थी ना, अपनी ये साइड पे, यहाँ पे रिब्स पे साइड पे हाथ लगाना, मैंने नीचे हाथ लगाना, या मतलब मुझे फील होता था कि यार कि कुछ ना स्क्वीज इन हो रही हैं चीजें, लेकिन इस तरह से नहीं था कि विजिबल रिजल्ट मिले, लेकिन मुझे ऐसा था कि चीजें टोन अप होना शुरू हो गई हैं, आपकी बॉडी जैसे टाइट सी होना शुरू हो गई है, अगर जो थोड़ा सा ढलकापन है वो थोड़ा सा ना श्रिंक हो गया, सुकड़ना शुरू सा हो गया, तो मतलब इस तरह से वर्क करना शुरू हो गया। अब मेरी बैड लक ये हुई कि मेरा कुछ प्रॉब्लम था बैकबोन का भी, और कुछ और इशू था मेरा, जिसकी वजह से मैंने फिर एक्सरसाइज कुछ अर्से के लिए छोड़ दी, और अभी भी मैंने छोड़ी हुई है, और अभी स्टिल मैं वही बात जीरो पे आके खड़ी हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह अगेन स्टार्ट करना है मैंने, कोई 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह मैं अगेन स्टार्ट करूंगी। होप कि वो सेम रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने करके देख लिया, उससे मेरा एक्सरसाइज वाला काम जो था ना वो फिट था। सो आप सबको जो मेरा चैनल देखते हैं, आप लड़के हो या लड़कियां हो, मैं आपको यही कहूंगी कि बजाय, शायद ये काम करते हो, आई डोंट नो, बजाय आप फूड सप्लीमेंट्स के इस पे पैसे वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि आप लोग एक्सरसाइज करो। देखो हम लोगों का पर्पस जो है ना, मैं आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज टोटली रॉन्ग कि मैं बस अपना वेट कम कर लूँ किसी तरह, बाद में देखी जाएगी। वेट कम करना मकसद नहीं होता, आपने अपने आप को फिट बनाना होता है, आपने अपने आप को फिट रखना होता है, ना कि कमजोर हो जाओ, पतले हो गए, कमजोर हो, इधर गिर रहे हो, इधर गिर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, आपने अब खुद को फिट रखना है, और फिटनेस के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। जिम नहीं है, घर में एक्सरसाइज करें, घर में एक्सरसाइज कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो भी नहीं कर सकती तो वॉक कर लें, जो आपके लिए ईजी है। मुझे वॉक करते हुए बड़ी बोरिंग लगती है, बस ऐसे ऐसे चलते रहो, मैं वॉक से बड़ी घबराती हूँ। फिर मुझे जिम का होता है कि जी वेट उठा रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आप को लगता है कि आप कर पाओगे, आप वो अडॉप्ट करो और उसी से आप लोग रिजल्ट्स लोगे। ठीक है, बजाय इससे कि फूड सप्लीमेंट्स परचेज करें और इस पे पैसे वेस्ट करें, काम हो या ना हो, वीक अगर आप हो भी जाओ, लेकिन इंटरनली आप कभी भी फिट नहीं होगे अगर इन सप्लीमेंट्स के साथ आप एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, हाँ एक काम कर सकते हो कि इनके साथ साथ एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने करनी है, लेकिन फिर मेरा अगेन वही बात आती है कि भाई जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही दी है, वॉक ही हो गई, वॉक हो गई या जिम में हो गया या कोई एक्सरसाइज होगी, कुछ भी हो गया, तो फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स का लोचा जरूरी आप डल रहे। ठीक है, तो एक चीज करें, जो भी आपने करनी है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एक्सरसाइज करें और उसी से रिजल्ट्स पाएं। बाकी इसका रिव्यू जो था वो मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया कि मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिले, हो सकता है कुछ लोगों को मिले हो, बट मुझे कोई ना मिले, अल्लाह की कसम मुझे 1% नहीं मिला। ठीक है, तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।